जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को इस दिन को गणेश जयंती के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को गणेश जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान गणेश जी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। वैसे प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है, चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान किया जाता है। लेकिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को इस दिन चंद्र दर्शन का निषेध माना गया है। इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। चंद्रमा का दर्शन करने से व्यक्ति पर झूठा आरोप लगता है, व्यक्ति पर कलंक लगता है। पूर्व समय में भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रमा का दर्शन किया था, इसलिए उन पर श्यामंतक मणि के चोरी का आरोप लगा था। इस कारण से इस दिन अगर भूलवश चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो इसकी निवृत्ति के लिए भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए और साथ में श्यामंतक मणि का कथा श्रवण करना चाहिए। तब जाके चंद्र दोष से मुक्ति प्राप्त होती है और झूठा कलंक से बचा जा सकता है। भगवान गणेश जी का जो कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन प्राकट्य हुआ था, इस दिन भगवान गणेश जी की पूरी विधि विधान के साथ स्थापना करके जो भी भक्त पूजन करते हैं, इससे भगवान गणेश जी उनके सभी प्रकार के विघ्नों को दूर कर देते हैं। गणेश चतुर्थी से लेकर के जो कि अनंत चतुर्दशी तक, इन 10 दिनों तक विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। बहुत से जगहों पर जो कि एक दिन, डेढ़ दिन, पांच दिन, सात दिन और 10 दिनों तक अपनी स्वेच्छा के अनुसार भगवान गणेश की स्थापना करके भक्तजन पूजन करते हैं। इससे भगवान गणेश जी अपने भक्तों को अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अगर आप सब विशेष प्रकार से गणेश चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त पूजन विधि और गणेश स्थापना के समय के बारे में जानना चाहते हो तो उसका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है या हमारे वीडियो के एंड स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं भाद्रपद शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। अगर आप गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी व्रत कथा। अगर आप श्यामंतक मणि का कथा श्रवण करना चाहते हो तो उसका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है या हमारे वीडियो के एंड स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने शास्त्र वेत्ता सूत जी से पूछा कि हे सूत जी महाराज, सभी कार्यों की निर्विघ्न समाप्ति किस प्रकार से हो, धनोपार्जन में कैसी सफलता मिल सकती है और मनुष्यों की पुत्र सौभाग्य एवं संपत्ति की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है, पति पत्नी में कलह भाव से बचाव, भाई भाई में परस्पर वह मनुष्य से अलगाव तथा उदासीनता से अनुकूलता कैसे मिल सकती है, विद्योपार्जन वाणिज्य व्यापार कृषि कर्म एवं शासकों को अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने में कैसे सफलता मिल सकती है, किस देवता के पूजन अर्चन से मनुष्यों को अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। हे सूत जी महाराज, इन सब बातों की आप विवेचना कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, प्राचीन काल में जब कौरव पांडवों की सेना युद्ध के लिए तैयार हुई तो उसी समय कुंती नंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा था कि हे कृष्ण जी, आप यह बतलाइए कि हमारी निर्विघ्न विजय किस प्रकार से होगी, किस देवता की आराधना से हम अभिष्ट सिद्धि प्राप्त कर पाएंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे वीर, पार्वती जी की मैल से उत्पन्न गणेश जी की पूजा कीजिए, उनकी पूजा से आप अपने राज्य को पा जाएंगे, यह निश्चय है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे देव, गणेश पूजन का क्या विधान है, किस तिथि को पूजा करने से वे सिद्धि देते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज,
भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को इनकी पूजा करनी चाहिए अथवा श्रावण अगहन एवं माघ मास की चतुर्थी को भी पूजा की जा सकती है। हे राजन युधिष्ठिर, यदि आप में श्रद्धा भाव हो तो भादो शुक्ल चतुर्थी से ही गणेश जी का पूजन प्रारंभ कर दीजिए। व्रती को चाहिए कि प्रातः काल उठकर सफेद तिल से स्नान करे। दोपहर में सोने की मूर्ति 4 तोले, 2 तोले, 1 तोले या आधा तोले की अपने सामर्थ्य के अनुसार बनवावे। यदि संभव न हो तो चांदी की प्रतिमा ही बनवावे। यदि ऐसा न कर सके तो मिट्टी की मूर्ति बनवावे, परंतु अर्थ संपन्न होते हुए कृपणता न करे। यही वर विनायक और यही सिद्धि विनायक है। मनोवांछित की सिद्धि के लिए भादो शुक्ल चौथ को इनकी पूजा करे। इनकी पूजा करने से संपूर्ण आकांक्षाएं पूर्ण हो जाती है। इस भूमंडल में इन्हें सिद्धि विनायक कहा जाता है। ध्यान की विधि। एक दांत वाले, सूप के समान विस्तृत कान वाले, हाथी के समान मुख वाले, 4 भुजाधारी, हाथ में पाश एवं अंकुश धारण किए हुए सिद्धि विनायक गणेश जी का हम ध्यान करते हैं। एकाग्रचित से पूजन करें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान करवावे। तदंतर भक्ति पूर्वक गणेश जी को गंध चढ़ावे। आवाहन करके पाद्य अर्घ्य आदि देने के बाद 2 लाल वस्त्र चढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात पुष्प धूप दीप एवं नैवेद्य अर्पित करनी चाहिए। फिर पान के ऊपर कुछ मात्रा में सोना रखकर अथवा रुपया आदि रख करके चढ़ावे। इसके बाद गणेश जी को 21 धूप चढ़ावे। निम्नांकित नामों द्वारा भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा दुर्वा से करे कि हे गणाधीत, हे उमापुत्र, हे पाप के नाशक, हे विनायक, हे इष नंदन, हे सर्व सिद्धिदाता, हे एक दंत, हे गजमुख, हे मूषक वाहक, हे स्कंद कुमार के भ्राता, हे गजानन महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रोली पुष्प एवं अक्षत के साथ 2 धूप लेकर प्रत्येक नाम का उच्चारण करते हुए अलग अलग नामों से धूप अर्पित करें। हे देवाधिदेव, आप मेरे धूप को स्वीकार करें। मैं आपकी बारंबार विनती कर रहा हूँ। इसी प्रकार भुना हुआ गेहूं और गुड़ अर्थात गुड़ धनिया जो गणेश जी को परम प्रिय है चढ़ावे। इसके बाद शुद्ध घी में निर्मित 21 लड्डू हाथ में लेकर हे कुरुकुल प्रदीप कह करके गणेश जी के आगे रख दे। उसमें से 10 लड्डू ब्राह्मण को दान कर दे और 10 लड्डू अपने भोजन के निमित्त रख ले। शेष लड्डू को गणेश जी के सामने नैवेद्य के रूप में परा रहने दे। स्वर्ण प्रतिमा भी ब्राह्मण को दान दे। सभी कर्म करने के बाद अपने इष्ट देव का पूजन करे। तदंतर ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भोजन करे। स्मरण रहे कि उस दिन मूंगफली वनस्पति वर्रे आदि के तेल का व्यवहार न करे। अधो वस्त्र और उत्तरीय वस्त्र के सहित गणेश जी की मूर्ति को संपूर्ण विघ्न निवारण के लिए विद्वान ब्राह्मण को दान कर दे। हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार गणेश जी की पूजा करने से आप सभी पांडवों की विजय होगी। इसमें संदेह की बात कोई नहीं है। यह मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। गुरु से दीक्षा लेने के समय वैष्णव आदि आरंभ में गणेश पूजन करते हैं। गणेश जी की पूजा करने से विष्णु शिव सूर्य पार्वती दुर्गा अग्नि आदि विशिष्ट देवों की पूजा हो जाती है। इसमें संदेह नहीं है। इनके पूजन से चंडिका आदि मातृगण सभी प्रसन्न होते हैं। हे ऋषियों, भक्ति पूर्वक सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा करने से उनकी कृपा के फल स्वरूप मनुष्यों के सभी कार्य पूर्ण होते हैं। भाद्र शुक्ल गणेश चतुर्थी की पूजा शिवलोक में हुई है। इस दिन स्नान दान उपवास पूजन आदि करने से गणेश जी की अनुकंपा से शताधिक फल प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस दिन चंद्र दर्शन का निषेध किया गया है, इसलिए अपने कल्याण की कामना से दोपहर में ही पूजा कर लेनी चाहिए। सिंह राशि की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्र दर्शन करने से चोरी व्याभिचार हत्या आदि का मिथ्या कलंकित होना पड़ता है, इसलिए आज के दिन चंद्र दर्शन करना वर्जित है। यदि भूल से चंद्र दर्शन हो जाए तो ऐसा कहें कि सिंह ने प्रसेनजीत को मार डाला और जामवान ने सिंह को यमालय भेज दिया। हे बेटा, रो मत, तुम्हारी श्यामंतक मणि यह है। इस प्रकार कहना चाहिए और श्यामंतक मणि का कथा श्रवण करना चाहिए।
इससे सभी प्रकार के अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। अगर आप सब श्यामंतक मणि का कथा श्रवण करना चाहते हो तो उसका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, या हमारे वीडियो के इंड स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है, आप उसके माध्यम से कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।